Welcome to Time News Studios. You are watching 5 p.m. Bulletin. पीटीआई अगूणे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो नालो निगरान वज़ीर आज़म लाइ तजवीज़ करे छो। पीटीआई अगवान फवाद चौधरी पेंदे ट्वीट बयान में चयो आहे ते सदर जो खत मिलन बाद वज़ीर आज़म कोर कमेटी जो इजलास कोठायो। कमेटी सां सलाह मशवरन बाद रिटायर्ड जस्टिस गुलजार अहमद के नाले की मंजूरी दिनी वही। सदर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म या अपोजिशन लीडर के खत लिखी निगरान वज़ीर आज़म लाइ नाला घुरा हुआ। खत में चयो वियो आहे ते स्पीकर सेनेट असेंबली मेंबर से बदल कमेटी जोड़ींदो। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर कमेटी अगियां नाला तजवीज़ कन। शहबाज शरीफ असेंबली टोड़न वाले सदर के अमल के गैर आइनी करार ींदे निगरान वज़ीर आज़म लाइ मुशावरत जो हिस्सों थियण का इनकार कर छो। स्पीकर आर्टिकल 5 जो हवालो दे तदें बेतमादरित रद्द न तो करे सके। कोशिश आहे ते केस से जल्द फैसलो करियूं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साथी जजिस सा मुशावरत बाद पान मुरादे नोटिस से बुधनी सुभाने 12 वगे ताई मुलतवी करे छड़ी। बुधनी दौरान चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर चयो त बादियों नजर में डिप्टी स्पीकर में स्पीकर जो उहो अख्तियार इस्तेमाल कयो जेको डिप्टी स्पीकर के अख्तियार में ही न हो। चीफ जस्टिस चयो त ज़ाब्तन तहत पहिरें 3 ॾींहनि ताईं बहस कराइणो हो। सीधी रीत वोटिंग में कीअं विया। रूलिंग में आहे तो अपोजिशन के सिक्योरिटी बाबत पार्लियामानी कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत दिनी उन्हें जानी वाणी शिरकत न कई। जस्टिस एजाजुल अहसन चयो तो बहस की इजाजत न दियण तो प्रोसीजरल डिफेक्ट है। कि क्यों चाहते हैं कि हुकूमत बहाल हो और इन किसी तरह ये जो उन्होंने खरीदे हुए हैं लोग इनके जरिए गवर्नमेंट में आए। मैच ये सिर्फ जीते अंपायर्स को साथ मिलवा के, तो ये इनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन जो भी ब्यूरोक्रेसी वो नीचे सारा अमला इलेक्शन वो सारा पहले तैयार करके फिर ये इलेक्शन की तरफ जाए। हम कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। मैं समझता हूं कि ये जो हो गया है इन लोगों की अब सियासत इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। ये जो खरीदे जा रहे हैं पॉलिटिशियंस उनकी रेट्स लगी हुई हैं उनको जो खरीदा जा रहा है ये बिल्कुल इसके खिलाफ। मैं आज अपने लोगों के साथ प्रोटेस्ट करूंगा यहाँ इस्लामाबाद में रेड जोन के बाहर, और मैं यह चाहता हूँ कि लाहौर में भी जिधर ये जिस होटल के बाद बाहर खरीदो फरोख्त हो रही है वहां भी प्रोटेस्ट करें। कारकुनी नौजवान गद्दारन खिलाफ एहतजाज लाए निकरन अज इस्लामाबाद में थींदड़ एहतजाज में आऊं पान शिरकत कंदुस। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन अगवाणन के गद्दार करार ॾींदे चयो आहे त रेड जोन में ज़मीर विकिरो कंदड़नि खिलाफ़ पुरमुन एहतजाज कयो वेंदो। अपोजिशन वारा 3 सालनि खां एनआरओ घुरे रहिया आहिनि। पहिरीं चवंदा हुआ त हुकूमत नाअहल आहे, चूंडनि जो ऐलान कयो त सुप्रीम कोर्ट हलिया पिया। इन्हनि जी कोशिश आहे त मर्ज़ी जा अंपायर बीहारे मैच फिक्स कनि। आलमी साज़िश जो हिसो ऐं विकिरो थींदड़नि जी सियासत ख़तमु थी वेंदी। चूंड विढ़ण जो तजुर्बो थी वियो आहे। पार्टी में टिकट्स विरिहाइण जो कमु शुरू कयो अथऊं। हाणे सोची सम्झी टिकट ॾींदासीं, भली हाराए वञूं पर मुल्की मफ़ाद जो सोचींदड़नि खे टिकट ॾींदासीं। छा डीजी आईएसपीआर वज़ाहत ॾींदो त क़ौमी सलामती कमेटी 197 असेंबली मेंबरनि खे साज़िश जो हिसो ऐं गद्दार करार ॾिनो हो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजे ट्वीट बयान में चयो आहे त इमरान खान बग़ावत जे जवाज़ लाइ पर रही साज़िश जो सहारो वठी रहियो आहे। यकीनन असांजी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ऐं ॿियनि इदारनि खे इन जी जाच करणु घुरिजे। हा छा दिफ़ाई परॾेही वज़ारत 7 खां 27 मार्च जे विच में थींदड़ साज़िश जो सबूत ॾिनियूं? इमरान ख़ान जी अञा पाकिस्तान खां मथे नाहे। क़ौमी सलामती जे मामलनि ते ॻाल्हाइण खां अॻु कंहिं अकुल वारे सां मशवरो कंदा करियो। पीटीआई अॻवान बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे ट्वीट बयान ते रदअमल ज़ाहिर कंदे चयो त ख़त जी जांच थी त तव्हांखे घणो नुक़सानु थींदो, असां हींअर घणो चुप आहियूं त हुनखे गनीमत सम्झो। 4 अप्रैल पाकिस्तान जी आज़ाद परॾेही पॉलिसी जी अज़ीम मुहाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी शहादत जो ॾींहुं आहे। अॼु हुन अज़ीम लीडर जी विरासत दर बदर आहे। आईएसएन पार्टी ते ज़हनी ग़ुलाम क़ाबिज़ आहिनि। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो जो बयानियो संदसि पार्टी बिगाड़े रही आहे। अलाह ज़ुल्फ़िकार भुट्टो खे क़ब्र में रहमत अदा करे। इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत हमारी सियासी बंदूक की नोक पे तो था और उसने खुद हमारा इस प्रेशर के नतीजे में बंदूक उठा के खुदकशी कर ली अपनी हुकूमत की।
हुआ ये है कि इमरान खान सदर पाकिस्तान डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर मिली भगत एक साजिश के तहत पाकिस्तान का आईन तोड़ के इमरान खान का ईगो को संभाला है। अब अदालत फैसला करे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करे, क्या इमरान खान का ईगो इज मोर इम्पोर्टेंट और इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मोर इम्पोर्टेंट? ये फैसला अब होने जा रहा है। आला अदलिया से हमारा उम्मीद है, हमारा रिक्वेस्ट है कि इमरान खान का कू को रोके, फुल कोर्ट बेंच इस अहम फैसला का फैसला सुना दें। हमें अगर आप सजा दिलाना चाहते हो दिला दो, तख्ते इतार पे चढ़ा दो, मगर अदम एतमाद का सिलसिला को मुकम्मल होने दे, जमहूरियत का तसलसल चलने दे। असा के भली फाही चाड़े छड़ियो पर बेतमाद रित ते वोटिंग बाबत फैसलो कयो। बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट के बेतमाद रित बाबत फैसलो करने लाइ फुल कोर्ट जोड़ने जो मुतालबो करे छो। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन के गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान गालहाइंदे बिलावल चयो तो इमरान खान असांजी सियासी बंदूक के निशाने ते हो, असांजे गडियल दबाव सबब वज़ीर आज़म सियासी खुदकशी कई, असां इमरान खान की हुकूमत खत्म थियण ते खुश आयूं पर हुन जेको आईन ते हमलो कयो आहे उन ते खुश ना आहियूं। इमरान खान पंहिंजी हुकूमत के खात्मे ते जशन मल्हाइण की कोशिश करे रहियो आहे। पहिरें ॾींहुं हुनखे सिलेक्टेड सॾियो हो त इमरान खान उन ते बि जशन मल्हायो हो। सदर स्पीकर डिप्टी स्पीकर इमरान खान जी अना बचाइण लाइ आईन ते हमिलो कयो। अदालत फ़ैसिलो करे त इमरान खान जी अना वधीक अहम आहे या इदारनि जो तहफ़ुज़। अमेरिका से कोई भाषण आया था या कोई केबल आई थी पाकिस्तान के सफीर से 7 मार्च को ये क्लेम करते हैं, तो अगर वो मरासला आ चुका था, केबल आ चुकी थी, तो फिर 24 मार्च को इन्होंने क्यों नहीं इतराज उठाया? 24 मार्च को हमने ये लीव ग्रांट हुई अदम एतमाद को पार्लियमान में, उस वक्त ये आर्टिकल 5 की क्यों नहीं बात की गई कि जनाब ये अब हम इसको वोटिंग की इजाज़त नहीं दे सकते, इसकी लीव ग्रांट की इजाज़त? ये तो बड़ा एक खुदा ना खासा साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें ये लोग कल जिस तरह उन्होंने कहा कि उस आर्टिकल 5 के तहत जिस तरह बात की गई, हम सारे खुदा ना खास्ता ट्रेटर बन गए और ये सब पाकिस्तान के बहुत बड़े ये मौसम हो गए और हम गदार बन गए। 7 मार्च को अगर कोई मीटिंग हुई, उन्होंने बुलाया स्टेट डिपार्टमेंट ने या ये गए, 7 मार्च को अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की थी, तो फिर 16 मार्च की दावत में ये शुक्रिया किस बात का और दावत किस बात की? कि अगर धमकी दी गई थी तो दावत दी गई और उसमें शुक्रिया अदा किया गया, ये बड़ी मुतजाद बातें हैं। हम इस बात को यहाँ पर नहीं रहने देंगे, हम पूरे पाकिस्तान की गलियों और मोहल्लों में एहतजाज करेंगे। इमरान खान एक वरी साजिश तहत कौमी असेंबली के 197 मेंबरन के मुल्क जो गद्दार करार दियारियो। अमेरिका जेकर धमकी दिनी हुई तो बेतमाद रिथ पेश थियण वक्त हुकूमत रिथ ते एतराज़ छो न कयो? उन वक्त आलमी साजिश जो जिक्र छो न कयो वियो? नून लीग के सदर शहबाज शरीफ गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान गालहाइंदे चयो त जे अमरीकी अमलदार पाकिस्तानी सफ़ीर के धमकी दिनी, उन्हीं अमलदार के मान में पाकिस्तानी सफ़ीर दावत छो कई? पाकिस्तानी सफ़ीर धमकी दींदड़ अमलदार की तारीफ़ छो कई? इदारा इन साजिश की शफाफ़ जाँच कराई। सदर स्पीकर ए डिप्टी स्पीकर की गैर आयरी कदमन खिलाफ शहर शहर ए घिटी घिटी में एहतजाज कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में भलीकार माहिया शाहिद सियाल हेडलाइन से वञे थियूं, इते वठूं था शॉर्ट ब्रेक।